दोस्तों मैं हूं अभिनव और मैं वापस हूं एक और नए DSLR ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाई स्पीड वाटर फोटोग्राफी कैसे की जाए। इसका मतलब है कि पानी के ड्रॉपलेट्स और पानी के फ्लो को एक पिक्चर के अंदर कैसे कैप्चर किया जाए। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। तो उससे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, तो जो सबसे पहली सेटिंग है उसमें हमें ये करना है कि हमें क्यू वाले बटन को प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद हम जो ये शटर स्पीड है उसे हमें चेक करना है। ये जो जनरल सेटिंग होती है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि 125 होती है, तो हमें इसे लगभग इसे 1/1000 या फिर 1/1250 पे कर देना है। इससे क्या होगा कि जो मोशन है जो फास्ट में है, जो फास्ट मोशन है उसे हम कहते हैं कैप्चर कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर एफ स्टॉप जो है उसे हम कहते हैं 5.6 पे रखना है, ठीक है। ISO को ऑटो की जगह पे आप इसे किसी पे भी रख सकते हैं, लेकिन ऑटो पर रखने से क्या होगा कि अपने आप उसे वाटर का फ्लो और उन सब चीज़ों को अपने आप ये कैप्चर कर लेगा और अपने आप इस लाइट की सेटिंग को अपने आप चेंज करता रहेगा। तो चलिए हम फोटो खींचे दिखा दें। तो हमें एक ग्लास भी चाहिए, एक ग्लास चाहिए हमें और एक पानी की बॉटल भी चाहिए, ठीक है। और इसे हमें सेटिंग्स तो हमने कर दी है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा आसान होगा अब ये कैप्चर करना। तो हम इसे में जाएंगे, जैसे मैंने वो पिछली वीडियो बताया था कि रेड पॉइंट आएगा, रेड पॉइंट आ गया। तो पानी को किसी डलवा ले सकते हैं आप ऊपर से पानी। जो मैंने आपको फोटोज दिखाई तो आपने वो देखी, और उन फोटोज में जैसे कि हमने देखा कि पानी की ड्रॉपलेट्स और पानी का जो फ्लो है बिल्कुल अच्छी तरीके से रुक चुका है। और मैंने आपकी उस पानी के फ्लो को रोकने की सेटिंग्स भी बता दी हैं। तो जल्दी जाके अपने घर पे ट्राई कीजिए, ग्लास लीजिए, पानी की बॉटल और पानी लीजिए, और अपना कैमरा उठाइए और रिकॉर्ड सेटिंग्स करिए। जल्दी से जो मैंने बताया वो करके देखिए कि आपका भी जो पानी का फ्लो है वो हाई स्पीड जो वाटर है वो रुकता है कि नहीं रुकता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा।